दोस्तों क्या आपके पास भी कोई ऑटोमेटिक गाड़ी है या फिर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं वो भी ऑटोमेटिक, तो आपके लिए एग्जांपल बहुत बेस्ट होने वाला है। आज मेरे पास गाड़ी आई है मारुति की बलिनो, और मारुति की बलिनो की अगर बात करते हैं BS4 के अंदर यानी कि 2020 तक जो मारुति की बलिनो आती थी उसमें CVT इंजन आता था। अब ये जो गाड़ी आ गई है मारुति की नई वाली शेप वाली बलिनो, इसके अंदर आता है AMT यानी कि आपका जो स्विफ्ट में डिजायर में इन सब में इंजन आता है सेम वही AMT में आता है। जो CVT गाड़ी थी बलिनो की उसमें थोड़ा बहुत एक इश्यू आता था, बट जो AMT गाड़ी है नया इंजन है क्या उसके अंदर CNG की परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है। इस गाड़ी के अंदर हमने CNG का इंस्टॉलेशन किया था ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन पहले। पेट्रोल पे अगर बात की जाए ऑटोमेटिक गाड़ियों की तो माइलेज उतनी अच्छी निकल के नहीं आती जितनी मैनुअल की निकल के आती है। इस गाड़ी का सिटी के अंदर 12 तक का माइलेज निकाल के आता है और हाईवे पे ये गाड़ी 16 से 17 तक का माइलेज निकाल के देती है। बिकॉज ये AMT गाड़ी है इसलिए माइलेज मैनुअल के कंपैरिजन में कम आता है। CNG लगाने के बाद क्या परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आएगी या फिर परफॉर्मेंस से कोई कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इस गाड़ी का पूरा फीडबैक आपको लेके देंगे। 15 दिन के अंदर गाड़ी मेरे ख्याल से 3 से 4 सिलेंडर यूज हो चुके होंगे, गाड़ी काफी ड्राइव भी होती है। क्या टेक्नोलॉजी यूज की है हमने, वैसे तो हम बताते हैं कि दो टाइप की किट हम लगाते हैं। एक लगाते हैं आपका 4 इंजेक्टर के डिवाइस के साथ में, एक लगाते हैं प्रॉपर 8 इंजेक्टर वाली किट। तो इस गाड़ी के अंदर हमने लगाया था प्रॉपर 8 इंजेक्टर वाली किट। वैसे तो खैर यहाँ पर एयर फिल्टर लगा हुआ, पीछे की तरफ इंजेक्टर लगे हुए हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा दूं कि 8 इंजेक्टर वाली किट में एक्चुअल में क्या होता है। ये जो गाड़ी है बलिनो AMT ये नया वाला मॉडल है, इसमें निकलते हैं 8 इंजेक्टर्स। और आप पीछे की तरफ देखेंगे कैमरे की तरफ से, हमने भी CNG के 8 इंजेक्टर्स लगाए हुए हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो पीछे की तरफ, मैं कैमरे से दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने प्रॉपर 8 इंजेक्टर्स लगाए हुए हैं। और 8 इंजेक्टर वाली किट की बात ही कुछ और होती है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है। तो यहाँ पर लगाए हुए हैं 8 इंजेक्टर्स। अगर इसका ECM दिखाता हूँ मैं आपको, तो इसका ECM बिल्कुल वही ECM है जो सेल्टोस में, क्रेटा में, वरना में लगाया जाता है। प्रॉपर 8 इंजेक्टर वाला ECM लगाया हुआ है। जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी वायरिंग को ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो मैं सारी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ। डबल स्टेज रिड्यूसर है, कूलेंट के कनेक्शन है, गैस फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर, और गैस फिलिंग बॉल हमने फ्रंट साइड से लगाया हुआ है, गैस इजिली यहाँ पर भर जाएगी। तो यहाँ पर फिटिंग तो बहुत अमेजिंग हुई है, गाड़ी चलने में कैसी है वो एक बार इसके टेस्ट ड्राइव भी लेके आएंगे। और क्या क्या काम हुआ है इस गाड़ी के अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सिलेंडर जो लगाया है इसके अंदर हमने लगाया है 12 किलो का सिलेंडर, क्योंकि छोटी गाड़ी है, 12 किलो का सिलेंडर बहुत अच्छा काम करेगा, इसमें बहुत अच्छी गैस भी आती है। सर्दियों के टाइम में तो 9 किलो तक गैस आएगी और गर्मियों में 8-8.5 किलो। आप देख सकते हैं बलिनो जैसी गाड़ी के अंदर इतना बढ़िया बूट स्पेस निकल के आ रहा है, कितना भी आप लगेज इसमें आप रख सकते हैं, प्रॉपर डक्टिंग वाला काम हो रखा है। जब हम जाते हैं पंप पे और जब गैस फिलिंग कराते हैं तो एक फील आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर बैक फिलिंग बॉल लगाया हुआ है, इजीली यहाँ से आप गैस फिल करा पाएंगे। और अभी जो गाड़ी का हम एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, कस्टमर के साथ बैठेंगे, उनसे पूछेंगे कि गाड़ी कैसी चल रही है, पिकअप कैसा आ रहा है, और गाड़ी की परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज क्या निकल के आ रही है, तो एक बार इसका टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। सर जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऑटोमेटिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है, और CNG ऑटोमेटिक गाड़ियों में कंपनी से तो खैर लग के नहीं आती है, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको उनके माइंड में प्रॉपर ये बिल्कुल ये डाउट होता हुआ कि CNG बाहर की गाड़ियों में, बाहर से CNG लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। तो फिलहाल अभी हम गाड़ी में बैठे हैं, स्विच की तरफ मैं दिखा देता हूँ गाड़ी में स्विच कहाँ लगाया हुआ है। अभी स्विच की तरफ देखने से पता लगा, जूम कर ले इसको, कर लिया। तो स्विच जो है हमने राइट साइड में लगाया हुआ है और गाड़ी गैस पे ही कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमारे साथ इस कार के ओनर भी बैठे हुए हैं जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, कहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या शुभ नाम है सर आपका? चंद्रकांत। चंद्रकांत जी आपकी गाड़ी में CNG किट लगे हुए ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन हो चुके हैं जी, और ऑटोमेटिक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो आप बताइए कि गाड़ी का पेट्रोल पे क्या माइलेज है? बिकॉज़ मेरे अकॉर्डिंग जैसे था वो मैंने बता दिया आपको, सिटी में 11-12 11-12 का है लोकल का, बहुत कम नहीं है क्या? बहुत कम है, जैसे मारुति की गाड़ी होने के बावजूद भी आपका सिर्फ 11-12 का माइलेज निकल के आ रहा है। कम है इसीलिए क्योंकि ऑटोमेटिक है जी। ठीक है, और हाईवे पे आपने कभी निकाला हो पेट्रोल पे क्या माइलेज है? रफ टफ चलाएंगे तो हार्डली 16, और हल्के पैर से चलाते तो अपना 20 तक मैक्सिमम। अच्छा,
अभी सीएनजी हमने इसमें लगाई है 15 दिन पहले, तो क्या मतलब आप माइलेज निकाल रहे सिटी ड्राइव में इसको? लोकल में मेरा इजीली 21 से 22 का आ जा रहा है एवरेज। 21 से 22 का आ जा रहा है, मतलब एक सिलेंडर पे कितनी चल रही गाड़ी आपकी? 170 के आसपास। बहुत बढ़िया चल रही है, 8 किलो गैस में। अगर आपका 10 11 12 का भी मान लो हम सिटी में चलती है तो 170 तो बहुत बढ़िया। परफॉर्मेंस कैसी गाड़ी की? परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल पेट्रोल की तरह चल रही है। बिल्कुल हाईवे पे गाड़ी को लेके नहीं गए आप? हाईवे पे लेके नहीं गए, और भी विदाउट एडवांसर है, कोई भी एडवांसर नहीं है इसमें, तब भी परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इस गाड़ी में एडवांसर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी है। और दोस्तों ये जो इंजन है AMT, ये सिर्फ ये आपका स्विफ्ट में भी आता है, डिजायर में भी आता है, और गाड़ी बहुत शानदार चल रही है। टोटल गाड़ी जो है कितनी चल चुकी है? 36,195 किलोमीटर चल चुकी है। गाड़ी में किसी भी तरह का कोई चेक इंजन एरर निशान नहीं है, गाड़ी फ्लॉलेस चल रही है, स्मूथ मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।